नमस्कार और आपका स्वागत है ऑपेरिनिस्टिक में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। आज हमारा ये पार्ट वन है। पार्ट टू में भी हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, लेकिन पार्ट वन में आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/operinistic, कृपया उसे भी लाइक जरूर करिएगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट वन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन सा रिलीजन था जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग फॉलो करते थे। सबसे पहले रिलीजन, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि नेम ऑफ द रिलीजन कांट बी श्योर, मतलब नेम क्या था उस रिलीजन का जिसे सभी लोग फॉलो करते थे ये श्योर नहीं है। एक रिलीजन का नाम नहीं है, लेकिन आइडल वर्शिप थी, मूर्ति पूजा होती थी। प्रेग्नेंट फीमेल्स वेर कंसिडर्ड सेक्रेड, प्रेग्नेंट फीमेल्स जो थी, जो गर्भवती स्त्रियां थीं, उन्हें पवित्र माना जाता था और उनका विशेष ध्यान रखा जाता था। इन मोहनजोदारो फीमेल गॉडेसेस वेर वर्शिप्ड। मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो जो कि बहुत ही प्रमुख स्थान है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वहां पे देवियों को पूजा जाता था, फीमेल गॉडेसेस को पूजा जाता था, उनकी पूजा की जाती थी, उनकी आराधना की जाती थी। कुछ एनिमल गॉड्स भी थे, सम एनिमल गॉड्स लाइक टाइगर एंड एलिफेंट वर आल्सो वर्शिप्ड। तो टाइगर यानी बाघ और एलिफेंट यानी हाथी, इनको भी वर्शिप किया जाता था। इट इज प्रिडिक्टेड दैट लॉर्ड शिवा एंड नंदी वर आल्सो वर्शिप्ड। तो भगवान शिव और नंदी, जो उनका वाहन है, इनकी भी पूजा की जाती थी। तो इन सब सारी चीज़ों से मिला जुला के आप समझ सकते हैं कि क्या किस टाइप का रिलीजन रहा होगा। आइडल वर्शिप था, देवियों को फीमेल गॉडेसेस की पूजा होती थी, एनिमल गॉड्स की यानी टाइगर और एलिफेंट जैसे एनिमल गॉड्स की भी पूजा होती थी, लॉर्ड शिवा और नंदी की भी पूजा की जाती थी। तो कुल मिला के ये जो रिलीजन था एक आइडल वर्शिपर रिलीजन था और प्रकृति पूजक माना जा सकता है। इसमें बहुत सारे जो प्राकृतिक संसाधन थे उनकी भी पूजा की जाती थी और उन्हें बड़ा पवित्र माना जाता था, और शायद उद्देश्य ये रहा होगा कि इनको पवित्र घोषित करके इनको नुकसान होने से बचाया जाए। फ्यूनरल्स की जहाँ तक बातें करते हैं, क्रिमेशन जो था वो ज़्यादा पॉपुलर था बरियल से। क्रिमेशन यानी कि शवों को जलाना, ये ज़्यादा पॉपुलर था, और कब्र में दफनाना ये थोड़ा कम पॉपुलर था। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदारो के आसपास के जो ग्रेव्स हैं, जो कब्रिस्तान हैं, वो नॉर्थ की ओर पॉइंट करते थे। उनका एक सिरा जो था वो उत्तर की ओर होता था, नॉर्थ की ओर होता था, जबकि धौलावीरा में ईस्ट और नॉर्थ दोनों की ओर ही उनका सिरा होता था। तो ईस्ट, कुछ ऐसे कब्र हैं जो कि ईस्ट की ओर यानी पूर्व की ओर थे, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि नॉर्थ यानी उत्तर की ओर थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो में नॉर्थ की ओर और धौलावीरा में ईस्ट और नॉर्थ दोनों की ओर। इस तरह से कब्र तो हालांकि अलग अलग तरह के मिले हैं, कुछ कब्र ऐसे भी मिले हैं जिसमें मल्टीपल लोगों को दफना दिया गया, एक साथ दो दो तीन तीन लोगों को दफना दिया गया। कुछ कब्र ऐसे भी मिले जिसमें इंसान न हो के बर्तन बर्तन थे, इस तरह से भी जो बाहर से दिख रहे थे कि कोई शव दफनाया गया होगा लेकिन उसके अंदर कुछ और ही निकला। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग तरह के कब्र मिले हैं, लेकिन ये माना जाता है कि क्रिमेशन यानी कि शवों को जलाना ये ज़्यादा पॉपुलर था। कुछ ग्रेव्स ऐसे मिले हैं जिसमें ऑर्नामेंट्स और पर्सनल आइटम्स भी थे, यानी कुछ गहने, मतलब हो सकता है ऐसा कि जब कोई व्यक्ति मरता हो तो उसके प्रिय चीज़ों को उसके साथ ही दफना दिया जाता हो। हो सकता है ऐसी परंपरा उस समय रही हो। इट इज़ ऑल्सो थॉट दैट वुमन वेर बरीड नियर देयर मदर और ग्रैंड मदर। महिलाओं को उनकी माँ या उनकी माँ की माँ के ग्रेव्स के आसपास, उनकी कब्रों के आसपास दफनाया जाता रहा हो, ऐसी मान्यता है, ऐसा देखने में आता है। हालांकि ये हमने पहले पॉइंट में ही कह दिया कि क्रिमेशन जो है वो ज़्यादा
पॉपुलर था, तो अब किस तरह से शवों को जलाया जाता था, इसकी क्या परंपराएं थी, ये बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। कब्र होते हैं तो इनके बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन जब शवों को जला दिया जाता है तो ये जो निशान होते हैं वो बहुत, जो परंपराएं होती हैं उनके निशान मिट जाते हैं। हाउसिंग की जो बात करें, जो कि बहुत पॉपुलर चीज़ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि देयर आर नो साइंस ऑफ ग्रेट रूलर्स, बड़े राजाओं के कोई चिन्ह नहीं मिले हैं। ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि कोई एक बहुत बड़ा राजा हो जिसने पूरे के पूरे साम्राज्य पे अधिकार कर रखा हो। तो देयर आर नो साइंस ऑफ ग्रेट रूलर्स, इवन पुअर पीपल लिव्ड इन गुड हाउसेस। तो जो गरीब लोग थे उनका घर भी ऐसा नहीं कि घास फूस की झोपड़ी में रह रहे हैं, टूटी फूटी घरों में रह रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो भी अच्छे घरों में रहते थे। सम साइट्स वेर फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड होने का मतलब ये है कि उस क्षेत्र को किले की तरह घेर दिया जाता था, या तो उस क्षेत्र की सीमाओं पर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें उठा दी जाती थी, या फिर कुछ ऐसा व्यवस्था की जाती थी कि वो दूसरों से अलग हो सके और बाहरी आक्रमणकारियों को रोक सके। तो इस तरह के जो काम होते थे उन्हें फोर्टिफिकेशन कहा जाता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ साइट्स ऐसे भी हैं जो कि फोर्टिफाइड थे। अ हाउस कवरिंग 8600 स्क्वायर फीट थॉट टू बी द चीफ्स हाउस इज फाउंड। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ घर ऐसे भी मिले हैं जिसमें से एक का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, 8600 स्क्वायर फीट एरिया का घर। माना जाता है कि ये उस क्षेत्र के चीफ का घर रहा होगा। तो घरों के साइज से ये पता लगाया जा सकता है कि किस स्टेटस के व्यक्ति का घर होगा, लेकिन ये तो श्योर है कि जो गरीब लोग थे वो भी अच्छे घरों में रहते थे और घास फूस की टूटी फूटी झोपड़ियों में ऐसा नहीं रहते थे। उनके जो घर होते थे वो ठीक ठाक होते थे, ब्रिक्स के बने होते थे। हाउसेज वेर मेड ऑफ कट ब्रिक्स एंड हैड टॉयलेट्स ऑल्सो। कट ब्रिक्स जो कि आज के ज़माने में यूज़ होता है, उस तरह के कट ब्रिक्स से घर बनाए जाते थे, काफ़ी मजबूत घर बनाए जाते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, घरों में टॉयलेट्स भी होते थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसको ज़रूर आपको याद रखना चाहिए। घरों में टॉयलेट्स भी होते थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टॉयलेट्स थे वो बहुत ही एडवांस्ड थे। द इंडस वैली पीपल हैड द मोस्ट एडवांस्ड टॉयलेट्स। दुनिया में सबसे एडवांस्ड टॉयलेट्स बनाने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। किस तरह के एडवांस्ड टॉयलेट्स, यानी कि उसमें फ्लश सिस्टम था, उसमें पानी अपने आप आने का भी सिस्टम था, उसको क्लीन करने का सिस्टम था, और जो मल था उसे डिस्पोज करने का भी एक अच्छा सिस्टम बना हुआ था। तो मोस्ट एडवांस्ड टॉयलेट्स ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑलरेडी मौजूद था। द सीवर सिस्टम वॉज एक्सीलेंट। गंदे पानी को निकालने का जो सिस्टम था वो बहुत ही एडवांस्ड था, वन ऑफ द एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में सीवर सिस्टम और टॉयलेट सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन में माना जाता है कि सबसे एडवांस्ड था। हाउसेज हैड लॉन्स एंड वेल्स ऑल्सो। घरों में पानी की व्यवस्था के लिए कुएं बने होते थे और लॉन्स भी थे। लॉन्स यानी कि छोटे मोटे गार्डन, जिसे चबूतरा और उसके आसपास का क्षेत्र, जिसमें नाना प्रकार के पेड़ पौधे भी हुआ करते थे। तो इस तरह से घर जो थे वो काफ़ी खूबसूरती से, काफ़ी अच्छे तरह से बनाए जाते थे। फायर हार्डेंड ब्रिक्स वेर ऑल्सो यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। ब्रिक इंडस्ट्री वॉज डेवलप्ड। फायर हार्डेंड ब्रिक्स का मतलब होता है कि ईंट जो बनाई जाती है उसे भट्टियों में पकाया जाता है ताकि वो मजबूत हो जाए। इस तरह के ब्रिक्स बनाने की एक पूरी इंडस्ट्री डेवलप्ड हो गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, और इन्हीं ब्रिक्स, इन्हीं ईंटों की सहायता से घर बनाए जाते थे। सिटी प्लानिंग की जहाँ तक बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानना चाहिए। सिटी प्लानिंग ग्रिड स्ट्रक्चर में होती थी। सिटी वॉज प्लान्ड इन ग्रिड स्ट्रक्चर। ग्रिड स्ट्रक्चर यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, इस तरह का स्ट्रक्चर। ग्रिड स्ट्रक्चर में सिटी जब प्लानिंग हो, कोई भी सिटी प्लान होती थी तो उसको प्लान करना बहुत ही ईजी होता था, उसको फैलाना बहुत ईजी होता था। जब बेहतरतीब तरीके से प्लानिंग
जब हो जाती है किसी भी सिटी की, तो उसको फैलाना या फिर कहीं किसी चीज़ को एडजस्ट करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के अधिकतर जो साइट्स हैं वो ग्रिड स्ट्रक्चर में बनाए गए थे। इसका मतलब ये है कि वो बड़े ही ठंडे दिमाग से प्लान करके डेवलप किए गए थे। दे कंटेंड ग्रीनरीज, बिल्डिंग्स, एक्सटेंसिव बाथ्स, गार्डन्स एक्सेट्रा। मेनी मोर सेटलमेंट्स ऑल्सो हैड द सेम सिटी प्लानिंग। अगर हम लोग सिर्फ मोहनजोदारो की बात करें तो वहाँ पे ग्रेनरीज जो कि अनाजों अनाज को रखने की, गेहूं चावल वगैरह इस तरह के अनाज को रखने की जगह थी। बिल्डिंग्स बड़ी छोटी अलग अलग प्रकार की, अलग अलग यूज़ वाली। एक्सटेंसिव बाथ्स, आपने मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसा वाटर टैंक था, एक स्विमिंग पूल जैसी जगह थी जिसमें लोग रिचुअल बाथिंग करते थे, ऐसा माना जाता है। मतलब परंपरा कुछ ऐसी थी, किसी परंपरा किसी रीति रिवाज की बाथिंग होती थी। वहाँ पे लोग नहाने जाते थे, वहाँ पे कपड़े बदलने की भी जगह थी, वाटर को चेंज करने के भी टेक्नोलॉजी थी। तो इस तरह के जो एक्सटेंसिव बाथ्स हैं वो भी सिटी प्लानिंग में शामिल थे। गार्डन्स, घरों के बीच में गार्डन, कई घरों के बीच में एक छोटा सा एरिया दे दिया गया गार्डन के लिए। इस तरह की भी चीज़ें सिटी प्लानिंग में देखने में आई हैं। और इस तरह की जो सिटी प्लानिंग थी वो सिर्फ मोहनजोदारो में ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी साइट्स में देखने को मिली है। स्ट्रीट्स वेयर इन ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न की बात हम लोग जहाँ तक करते हैं तो घर बहुत सारे जो ग्रिड पैटर्न में बनाए गए थे, स्ट्रीट्स भी जो मेन रोड्स हुआ करते थे वो भी ग्रिड पैटर्न में थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये इनमें पैलेस एरिया भी था और मिडिल टाउन भी था। पैलेस एरिया शायद वो एरिया रहा होगा जहाँ पे वीआईपी लोग रहते थे और मिडिल टाउन जहाँ पे कॉमन लोग रहते थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो दो दो बड़ी साइट्स हैं जहाँ पे आपको पैलेस एरिया और मिडिल टाउन ये दोनों ही तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। देर वॉज ऑल्सो एन असेंबली हॉल एंड अ कॉलेज फॉर प्रीस्ट्स इन मोहनजोदारो। ये जरूर याद रखिएगा, एक असेंबली हॉल हुआ करता था जहाँ पे गैदरिंग होती थी। ये ऐसा माना जाता है कि प्रीस्ट जो कि वर्शिपर्स थे, जो कि धर्म या फिर व्यापार से जुड़े हुए जो बड़े बड़े लोग थे, वो असेंबली हॉल में इकट्ठा होते थे और वहाँ पे आपस में परिचर्चाएं व्याख्यान वगैरह हुआ करते थे। तो इस तरह के असेंबली हॉल्स देखने को मिलते हैं। एक मोहनजोदारो में कॉलेज भी पाया गया है, ऐसा माना जाता है कि वो एक कॉलेज था, एक महाविद्यालय था जहाँ पे धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो कॉलेज फॉर प्रीस्ट्स, और ये मोहनजोदारो में पाया गया। धोलावीरा में 50 फीट की ऊंची बिल्डिंग पाई गई और माना जाता है कि धोलावीरा के हेड ऑफ सिटी वहीं पे रहते थे, उनका घर था। हड़प्पा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर मेन गेट पाया गया है। हड़प्पा में, हड़प्पा में एंटर होने के लिए एक मेन गेट भी था, ऐसा माना जाता है। तो वो मेन गेट कुछ ऐसा ही रहा होगा कि उस शहर में एंटर होने से पहले उस गेट को पार करना होता होगा। तो शहर का मेन गेट हड़प्पा में पाया गया है। कुछ ऐसे भी दीवारें मिली हैं जो कि माना जाता है कि वो सिटीज़ को सराउंड करती थी, यानी कि शहर के चारों ओर, शहर की सीमा पर दीवारें बनाई गई थी, जिसे हम फोर्टिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वॉल्स, दीवारें भी मिली हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें यदि हम लोग, तो ड्रेनेज सिस्टम, जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात होती है तो इसके ड्रेनेज सिस्टम की बड़ी तारीफ होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम की तारीफ पहले भी सुन चुके होंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पुराना टेक्नोलॉजी था और माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी जिसने ड्रेनेज सिस्टम पे ध्यान दिया और इसका एक सिस्टम डेवलप किया। रोमन्स से पहले ड्रेनेज सिस्टम वॉज यूज्ड बिफोर रोमन्स। रोमन्स की जो सिविलाइजेशन थी वो अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए मानी जाती है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम रोमन्स से भी पहले डेवलप हो चुका था। और ड्रेनेज जो था वो टेराकोटा पाइप्स से होता था, ऐसा नहीं कि जमीन में ही नालियाँ बना दी, नहीं, टेराकोटा पाइप्स का उपयोग होता था। कुछ पाइप्स छोटी, कुछ पाइप्स बड़ी।
तो टेराकोटा पाइप्स की सहायता से ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से डेवलप किया गया था। देयर वॉज अर्थी ब्रिक कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम, तो जहाँ पे टेराकोटा पाइप्स जमीन के अंदर लगाए जाते थे उसके ऊपर अर्थी ब्रिक कवरेज लगाया जाता था, वहाँ पे मिट्टी के ईंटों का कवर किया जाता था ताकि उसके ऊपर लोग चल सकें या ट्रैफिक जा सके या ऐसा, मतलब ज़मीन वो ऐसा ना हो कि अनयूज्ड हो जाए। तो ज़मीन के अंदर से भी ड्रेनेज सिस्टम था जिसे अर्थी ब्रिक से कवरेज भी दिया गया था। देयर वर सॉइल टैंक्स ऑल्सो विच वेयर क्लीन्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, तो ज़मीन के अंदर सॉइल टैंक्स भी बनाए गए थे जहाँ पे या तो गंदा पानी जाता होगा या तो वहाँ पे पानी इकट्ठा होता होगा अलग अलग जगहों पर भेजने के लिए, जिसको क्लीनिंग भी की जाती थी। तो इसका भी पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ था। मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ था जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ बहुत ही फेमस जगह है, माना जाता है कि वहाँ पर रिचुअल बाथिंग होती थी। इसके पानी को चेंज करने का भी सिस्टम था, यानी पानी इसमें ऐसा नहीं हो कि पड़ा पड़ा सड़ी जा रहा, इसके पानी को चेंज करने का भी पूरा सिस्टम बनाया गया था। फूड एंड लाइफ, ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग खाते कैसा थे और रहते कैसे थे। ये आपको जान के बड़ी खुशी महसूस होगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अनाज की कोई कमी नहीं थी और लोग बड़े ही स्टाइलिश थे। लोग अपने जीवन से काफ़ी खुश थे, हैप्पीनेस काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पे, और वेल नरिश्ड थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वेर वेल नरिश्ड, ऐसा नहीं कि वहाँ पे खाने पीने की कमी थी या इस तरह के अनाजों की कमी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो चीज़ें उगती नहीं थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी कि जिस चीज़ की खेती नहीं होती थी, जिन अनाजों की, वो अलग जगह से मंगा लिए जाते थे, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी पूरा प्रोसीजर था। तो वेल नरिश्ड थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। माना जाता है कि नॉन वेजिटेरियंस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, लेकिन काऊ मीट नहीं खाते थे। गाय को सेक्रेड माना जाता था और इसी वजह से गाय को नहीं मारा जाता था। हालांकि बहुत सारे जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो नॉन वेजिटेरियन था, ऐसा माना जाता है। एग्रीकल्चर काफ़ी रिच था, द एग्रीकल्चर वॉज रिच, अच्छा खासा खेती होता था। दे ग्रू वीट, राइस, डेट, पीज, कॉटन, मस्टर्ड एक्सेट्रा, तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें वीट राइस भी था, दलहन थे, तिलहन थे, बहुत अलग अलग प्रकार के जो क्रॉप्स थे वो उगाए जाते थे। और एक बहुत ही ऐश्वर्यवान जो एग्रीकल्चर उस समय व्याप्त था। अ गेम रिजम्बलिंग डाइस एंड अनदर रिजम्बलिंग चेस इज ऑल्सो फाउंड, ये आप दो फोटो देखिएगा, ये गेम इस तरह से जिसे माना जाता है कि ये डाइस का गेम था, ये आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, और ये दूसरा जिसे माना जाता है कि ये चेस का पुराना रूप था, ये मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो वहाँ पे लोग अपने इंडोर गेम्स कुछ इसी तरह से खेलते रहे होंगे, वहाँ पे डाइस के गेम्स और चेस के गेम्स होते रहे होंगे। ट्रांसपोर्टेशन वॉज ऑन बुलक कार्ट्स एंड बोट्स, थल पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता था सामान को ले जाना या फिर लोग खुद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बुलक कार्ट्स का उपयोग करते थे, बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे, और पानी में जाने के लिए बोट्स का, नावों का उपयोग करते थे, नाव भी कई छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के। लैंप्स वेयर मेड ऑफ मड एंड सी शेल्स, तो शंखों में और मिट्टी के बनाए हुए बर्तनों में लैंप्स बनाए जाते थे, यानी दिए रोशनी के लिए, रात के समय पर रोशनी के लिए। और आपको ये भी जानना आवश्यक है कि स्ट्रीट लाइट्स की भी व्यवस्था की गई थी, हालांकि बहुत सारे क्षेत्रों में ये व्याप्त था ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट जगहों में इस तरह के लैंप्स से, मिट्टी के लैंप्स से स्ट्रीट लाइटिंग की भी व्यवस्था मौजूद थी। तो ये था हमारा पार्ट वन, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आपके कोई सवाल हो या आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे लिख के ज़रूर पूछिएगा, हमें आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार रहेगा।
और हमारे चैनल आपको कैसा लग रहा है ये हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए कृपया हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है www.operinistic.com और हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/operinistic। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, फिर से नमस्कार।